चलो कल की क्लास में हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन उदाहरण और उसकी बेसिक थ्योरी समझी थी, आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है, जितनी भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे ख़त्म करने हैं आज ही, और जल्दी से जल्दी फास्ट करने हैं आज। जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप आसानी से फास्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर क्लियर ओके स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सोलह अक्षर कौन सा होगा? सीधा 16 लेटर पूछा है तो आप आसानी से बता सकते हो। बाएं से अगर बात करता हूँ एजोटी से ज्ञात करते हैं अपन, तो ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है, वो 15 पर होता है, वो 15 पर है तो वो के बाद क्या होता है टी, तो पी 16 इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो अपना आंसर होगा पी। क्लियर, यहाँ तक आपको सभी क्लियर हुआ होगा, इशू नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। अगर बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं अपन तो अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला का अगर बात, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से सीधा लेटर पूछा है तो आसानी से आप याद कर सकते हो। लेटर की बात करता हूँ तो इजोटी से जाएंगे तो T20 लेटर पर होता है, टी के बाद क्या होता है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए टी के बाद क्या है, टी यू, तो यू इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई इश्यू नहीं है, यू इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से अगर बात करनी है तो जेड से गिनती स्टार्ट होगी, यानी विपरीत क्रम हो गया, यानी 27 माइनस इश्यू कीजिए इसमें 27 माइनस 22 गिव आउट 5 पाँचवा लेटर। बाएं से पाँचवा लेटर, बाएं से पाँचवा लेटर की बात करता हूँ तो ई निकलता है, इजोटी 5 पर ही जाता है, अगर ये आपको याद हो तो सीधा पाँचवा आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, दाएं से 19वां अक्षर लेटर याद करना है तो 27 माइनस 19 कीजिए, वही फॉर्मूला है 27 माइनस 19 19 8 27 आठवां लेटर की बात करता हूँ तो जी एच, इसे एच आठवीं लेटर आता है, बाएं से याद करते हैं तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल जो कल समझाया गया है बिल्कुल उसी थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है, सरल सरल क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाएं से आठवां, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, क्लियर, दाएं से 11वां अक्षर तो इस दाएं वाले को भी बाएं में बदल लेते हैं, क्लियर, आसानी से बदल लेते हैं, चेक करते हैं तो 27 माइनस 11 गिव आउट 16वां लेटर, क्लियर, तो यानी बाएं से 8वें लेटर और बाएं से 16वें लेटर की मध्य का अक्षर कौन सा होगा? तो 8 प्लस 16 करो अपन 2 करो, 16 8 24 24 बटे 2 गिव आउट 12 12 इधर करेक्ट आंसर। 12 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इजोटी जे 10 है के एल, एल इसकी करेक्ट आंसर होगा, एल इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर निकालना है तो एल इसका करेक्टेड आंसर होगा, क्लियर। इसमें कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी वर्णमाला अगर बाएं से दिया गया है तो दोनों वैल्यू सेम करनी है, प्लस एड भाग दो का देना है। यहाँ तक समझ में आया आसानी से? यस। एक तरीका और है अगर आपको ज्ञात करना है, अब सोच रहे हो माइनस क्यों नहीं किया, अगर आपको माइनस करना है तो देखो बाएं से 8वां लेटर निकलाइए और ये बाएं से 16वां लेटर हो गया, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना, 8 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना 4, यानी चौथा लेटर 8 प्लस 4 गिव आउट 12 लेटर, लेटर बारवा ही आना है, कैसे भी आप कर सकते हो, कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से क्वेश्चन को बदलते हैं, 27 माइनस 5 गिव आउट 22 प्लस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं से 5वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर बात करता हूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर तो ये बाएं से कौन सा अक्षर होगा, 27 माइनस 5 बराबर 22वां अक्षर, 22 प्लस 10 एट 32 अपन 2, यानी 16वां अक्षर मध्य का अक्षर होगा। 16वें अक्षर की बात करता हूँ तो 16वां अक्षर अपना पी होगा, 15 पर वो आता है पी 16वां, क्लियर आंसर। यहाँ तक समझ में आया सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे क्वेश्चन देखता हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और बाएं से 21वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा?
देखो अपन को बाएं से इश्यू नहीं आता है तो इसको बाएं में चेंज कर लेते हैं पहले, इसको बाएं में चेंज कर लेते हैं। तो दिमाग लगाओ कौन सा हो सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां। ओके चलो अब की बार नए तरीके से करते हैं क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को इसको दाएं में बदलते हैं वैल्यू को। तो 21 + 6 = 27, 27 मतलब 6 + 19 19 × 6 = 25, 25/2 12.5। अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आती है, अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो उसका सीधा सा मतलब उसे ज्ञात नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा अपन ज्ञात नहीं कर सकते, 7 का डी आंसर होगा। कोई वैल्यू पॉइंट में आ रही है या फिर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो उसमें क्योंकि फिक्स वैल्यू आनी चाहिए तो ये आंसर करेक्ट माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब बात करता हूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर, चलो अपन दाएं से वो क्वेश्चन किया था, दाएं से इसे चेक करते हैं। तो जैसे कि दाएं से वैल्यू कौन सी होगी 11वीं, दिमाग लगाओ दाएं से वैल्यू कौन सी होगी 11वीं, 16, 11, 27। अब दाएं से अगर बात करता हूँ तो 22, 11 कितना होता है, 22, 11 कितना होता है, 22, 11 आ रहा है कुछ आंसर 33, 16.5, 27 - 16 ज्ञात करो, 27 - 16.5 8.5 10, 10 और 11 के बीच में वैल्यू होगी, 10 और 11 के बीच में वैल्यू होगी, जो भी आंसर होगा आपका 10 और 11 के बीच में होगा। 10 की वैल्यू जे है तो इसकी वैल्यू के होगी। क्लियर क्लियर। टाइप सेकंड के सवालों की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट के आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जहाँ तक सभी को मैंने बता दिया है वही आंसर होगा। सेकंड की बात करता हूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस करना है, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो 15 - 8 करोगे, 15 - 8 = 7, तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, जी करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19 अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, सीधा सा निकालना है, कोई इशू ही है ही नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सीधा निकालना है। तो 19 - 10 = 9, 22 से 9वां अक्षर आई करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ तो तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। डायरेक्शन सेम है, सीधा माइनस करना है, 25 - 11 कितना आंसर आया, 14, 27 - 14 गैप आउट करो बाएं से निकालने के लिए 13, तो बाएं से 13वां अक्षर ही इसका आंसर होगा, यानी ए होगा। क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5 - 7वां अक्षर कौन सा होगा। सेम डायरेक्शन है, 12 - 7 करो, गैप आउट 5, 27 में से 5 गया, गैप आउट 22, बाएं से 22 लेटर होगा, यू भी बी करेक्ट आंसर। क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, क्वेश्चन अब अच्छा है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है इसमें, दोनों डायरेक्शन दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन दिए हैं तो फिर एडिशन करना है। क्लियर क्लियर। अगर बात करता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर, टोटल दाएं से 12वां अक्षर हो गया, दिमाग लगाओ दाएं से कौन सा हो गया 12वां अक्षर, दाएं से 12वां अक्षर यानी बाएं से 27 - 12 यानी 15वां लेटर, 15वां लेटर कौन सा है, ओ इज द करेक्ट आंसर। दूसरे तरीके से निकालते हैं तो बाएं से दाएं से 7वें अक्षर, क्लियर है, 7 - 5 = 12, दाएं से 12वें एडिशन हुआ, दाएं से 12वां स्थान हुआ, तो फिर बाएं से कौन सा अच्छा होगा स्थान होगा 15वां, 15वीं वैल्यू हो। क्लियर यहाँ तक क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के बाएं 3रा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 22वां अक्षर, दाएं से 22वां अक्षर के बाएं +3 एडिशन 25 हो गया 25। अब क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, 27 - 25 गैप आउट 22, बाएं से दूसरा अक्षर होगा लेटर बी, इधर करेक्ट आंसर। क्लियर क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। क्लियर क्लियर।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से अठारहवें अक्षर के दाएं डायरेक्शन सेम है, पहले डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख देते हैं तो यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। जेड से वर्णमाला स्टार्ट हुई, ए पर खत्म हुई, तो दाएं से अपना ए लेटर है। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से अठारहवें अक्षर के दाएं 18 - 12 गिव आउट 6, 6 की वैल्यू एफ इज द करेक्ट आंसर एफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं जेड से ए की तरफ ही लिखेंगे, 25 - 16 16 - 9 = 25 दाएं से 9 यानी ए से 9 की ए से 9 की वैल्यू जी एच आई, क्लियर आई आंसर होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, अब क्वेश्चन अच्छा है, 7, 8, 15 दाएं से विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, जेड से ए की तरफ लिखेंगे, क्लियर क्लियर। अगर बात करता हूँ तो दाएं से 7वां अक्षर प्लस बाएं 8वां अक्षर, यानी दाएं से हो गई अपनी 15वीं वैल्यू, दाएं से 15वीं वैल्यू ओ इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर 16वां, जेड से ए की तरफ लिखेंगे अपन सीरीज, तो 11, 5, 16 अक्षर लेटर पी, पी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, सेम डायरेक्शन 21 - 10 यानी बाएं से 11वीं वैल्यू, बाएं से 11वीं वैल्यू, बाएं से 11वीं वैल्यू, तो फिर दाएं से कौन सी वैल्यू होगी क्योंकि उल्टा क्रम है, तो जेड से ए की तरफ चल रहे हैं, बाएं से 11वीं वैल्यू। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर बाएं पर बाएं से 11वीं वैल्यू है तो फिर दाएं से कौन सी वैल्यू होगी, अगर बात करता हूँ 16वीं इधर पी करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7 बाएं से निकाल रहे हैं 7 + 12 19वां, बाएं से 19वां, तो फिर दाएं से कौन सा होगा 8वां लेटर, 8वीं बात करता हूँ जी एच इज द करेक्ट आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 9, अगर बात करता हूँ यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी विपरीत क्रम में लिखा जाता है बाएं से दाएं के 9वां अक्षर, तो 9 + 9 गिव आउट 18, विपरीत क्रम बाएं से वैल्यू दी गई है 18वीं, तो फिर दाएं से कौन सी वैल्यू होगी 9वीं, इज द करेक्ट आंसर आई। अब अपन पढ़ते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन, आपने टाइप 3 कंप्लीट कर लिए हैं, टाइप 4 पर पहुंच गए हैं। यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जाए तो बाएं से शुरू अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ओनली अंग्रेजी वर्णों में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टा क्रम में लिखा जा रहा है। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लूं। एडजस्टेड क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, प्रथम अर्धांश एम से ए की तरफ चलता है, दूसरा एन से जेड की तरफ चलता है, क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से शुरू अक्षर, बाएं से 16वां लेटर के बाएं, तो 16 - 8 गिवट वैल्यू, बाएं से 8वीं वैल्यू, बाएं से 8वीं वैल्यू हो गई आपकी, बाएं से 8वीं वैल्यू कौन सी होगी, यानी एम से ए की तरफ बाएं से 8वीं वैल्यू, तो 14 - 8 गिव आउट 6वीं वैल्यू, ए से 6वीं वैल्यू एफ होगा, एफ इज द करेक्ट आंसर, क्लियर क्लियर। एफ इसका करेक्ट आंसर होगा 6वीं वैल्यू, 6वीं वैल्यू इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, एम से ए विपरीत क्रम में लिखा जाता है और एन से जेड फुल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो दाएं से 21वें अक्षर के दाएं, अब बात करिए दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 21 - 5 क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ ना, तो दाएं से कौन सा लेटर होगा 16वां, दाएं से 16वां लेटर। अब बात करता हूँ तो एन तक 13 लेटर खत्म हो जाते हैं, बचते हैं 3 लेटर, तो इधर करेक्ट आंसर सी। कुछ समझ में आया नहीं ना, ओके द्वारा से समझाता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा, एम से ए तक विपरीत क्रम में लिखा, दूसरा एन से जेड लिखा, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, नॉट इश्यू।
अगर बात करता हूँ व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो 21वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, 21वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, 21वें अक्षर के पांचवें अक्षर अगर बात करता हूँ देखो दाएं से 21वां अक्षर माइनस पांच, तो दाएं से 16वां अक्षर ज्ञात करना है, तो जेड से अंत तक तेरा खत्म। अब अपन को तीन लेटर और बढ़ना है, तो ए बी सी, क्लियर क्लियर। अंग्रेजी बड़वाला के प्रथम मदंश को अक्षर को व्युत्क्रम में लिखा जाता है, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, जेड से ए की तरफ लिखा जाता है, एन से एम से ए की तरफ लिखा जाता है, एन से जेड की तरफ लिखी जाती है सीरीज, क्लियर। अंग्रेजी में प्रथम मदंश अक्षर को व्युत्क्रम में लिखा जाता है, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 18 माइनस 8 गिव आउट 10, कौन सी वैल्यू गिव आउट 10, क्लियर क्लियर। यहां तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि 10वीं वैल्यू है दाएं से, दाएं से। अब जेड से 10वीं वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये लास्ट सेकंड चतुर्थांश में आएगी, तो सीधी से 27 माइनस 10 कर दो, गिव आउट 17वां वैल्यू होगी भैया, यानी क्यू इज द करेक्ट आंसर, क्लियर क्लियर। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम में लिखा जाए, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 14 6 20, दिमाग लगाओ। अंग्रेजी वर्णमाला के एम से ए की तरफ और एन से जेड की तरफ जोड़ा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को अक्षर को व्युत्क्रम में लिखा जाए, जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं, तो 14 प्लस 6 गिव आउट 20, 20वीं वैल्यू, यहाँ तक 13 वैल्यू खत्म हो जाएगी एन से जेड तक, तो बचे कितनी 7, ए से 7 की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा जी ये द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अक्षर को व्युत्क्रम में लिखा रहे हैं, अब एम ए टू एम जेड टू एन लिख रहे हैं, व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, तो मतलब बाएं से 11वां अक्षर, दिमाग लगाओ, बाएं से 19वां अक्षर, 8 प्लस 11 19, तो 13 आ गया तो 6, क्लियर। वैल्यू कौन सी आएगी 6, अगर 6 वैल्यू आएगी तो 6 वैल्यू का अपन 27 माइनस 6 यानी 21वां आंसर इज द करेक्ट आंसर, 27 माइनस 21 गिव आउट टू यू, द्वारा समझा देता हूँ। अंग्रेजी में प्रथम द्वितीय अर्धांश को एम से ए वैल्यू चलेगी, ए से एम चलेगी, जेड से एन वैल्यू चलेगी, पूरी सीरीज हो गई आपकी टोटल, क्लियर क्लियर। द्वितीय अक्षर व्युत्क्रम में लिखा जाए तो अब पूछा क्या है उसने, बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 11 गिव आउट 19, कौन सा अक्षर होगा 19, यू हो गया, क्लियर क्लियर है। अब 19वां लेटर ज्ञात करना है, तो 19वां लेटर ज्ञात करेंगे तो ए से एम तक 13 वैल्यू खत्म, बचेगी 6 वैल्यू। अब बाएं से ज्ञात करनी है, जेड की तरफ से 6 वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 27 में से 6 घटा दो सीधा सीधा 21वीं वैल्यू, इधर यू करेक्ट आंसर। वर्णमाला के उत्तरार्ध के अक्षरों को व्युत्क्रम में लिखा जाता है, मतलब दूसरे अर्धांश को ही उल्टे क्रम में लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, तो ए से एम और जेड से एन लिखा जाता है, तो दाएं से 14वें लेटर के दाएं 14 माइनस 7, दिमाग लगा, 14 माइनस 7 माइनस 7 लेटर, तो दाएं से 7वां लेटर 13 7 20वीं वैल्यू इज द करेक्ट आंसर, बाएं से 20वीं लीटर 20वां लीटर। अब इधर से अपन को निकालनी है, कोई वैल्यू निकालनी है, मान उल्टा चल रहे हैं एन से जेड की तरफ चल रहे हैं और 7वीं वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, अंग्रेजी बड़मारा के उत्तर वृद्धि क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, टाइप 4 के क्वेश्चन चल रहे हैं, एम से जेड तक लिखी, ए से एम तक सीरीज बनाई गई है पहले, दूसरी जेड से एन तक सीरीज बनाई गई है, दाएं से 14वां के दाएं 7वां अक्षर गिव आउट 7वां अक्षर इधर करेक्ट, क्लियर 7वां लेटर करेक्ट होगा, यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्लियर। दाएं से 7वां लेटर, दाएं से 7वां लेटर, ठीक है, एम तक 13 लेटर होते हैं टोटल, होते हैं ना, या तो 27 माइनस 7 कर दो तो भी करेक्ट 20 ही आएगा, या 13 प्लस 7 कर दो बाएं से निकालना है तो 20 की वैल्यू क्या होती है टी, ये द करेक्ट आंसर। टाइप 4 का 6 क्वेश्चन किया है आपने, ठीक है, टाइप 4 का 6 क्वेश्चन, टाइप 4 6 का सी है, टाइप 4 6 सी, टाइप 4 6 सी करेक्ट आंसर हुआ ना आपका, क्लियर।
बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं, कंफ्यूजिंग नहीं करना है बिल्कुल। अंग्रेजी बड़े माला की ध्वनि दंश को अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, कोई इश्यू नहीं। ए से एम लिखेंगे, दूसरा जेड से एन लिखेंगे। तो बाएं से इक्कीसवें अक्षर के बाएं, बाएं से इक्कीसवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, यानी बाएं से सोलहवा लेटर, बाएं से सोलहवा लेटर निकालना है। तो तेरह खत्म तीन, तो चौबीस तीन सत्ताईस, चौबीसवा लेटर होगा वही इधर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर क्लियर। अब क्वेश्चन है शब्द एस पी ओ और स्पोरेडिक अक्षरों में से कितने जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एस से गिनो, एस पी, एस के बाद क्या आता है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक भी लेटर नहीं है। पी से पी क्यू आर, वन लेटर हो गया, पी क्यू आर वन लेटर, पी क्यू आर, एस टी यू भी खत्म, ओ पी, ओ पी वन लेटर हो गया, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस टी, ई भी नहीं है, ई एफ जी एच नहीं है, एफ जी एच आई नहीं है, बी सी डी ई, बी सी डी नहीं है, टाओ ई एफ, दो लेटर हो गए हैं अभी तक, ठीक है। अब डी पर गिनती कर रहे हैं अपन, ठीक है, डी पर गिनती कर रहे हैं, दो लेटर हो गए हैं अभी तक, ठीक है, दो लेटर हो गए हैं, डी से गिनती कर रहे हैं, डी से डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ नहीं है, जे के नहीं है, डी ई एफ जी एच आई जे, दो इधर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में कितने अच्छे हैं, जिनमें प्रति जो आगे पीछे नहीं अच्छे हैं, जिनके अंग्रेजी बड़वाड़ा में होते हैं। तो ऐसे ज्ञात करना है, जी से गिनना है, जी एच आई एच आई जे एच आई जे के एल एम एच आई जे के एल एम वन लेटर, एन ओ पी नहीं है, ओ पी पी क्यू आर पी क्यू ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, वी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, ई एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच आई जे के नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर एस एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, एम एम एन वन लेटर, एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, एम एन ओ पी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल एफ जी नहीं है, एन एन टी नहीं है। अगर बात करता हूँ एन से, एम एन ओ पी क्यू आर एन ओ पी क्यू आर वन लेटर और है, क्यू आर एस टी यू भी नहीं है, टी यू भी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए बी सी नहीं है, एन टोटल फाइव लेटर हो रहे हैं, तीन से अधिक, इधर करेक्ट आंसर। क्लियर, तीन से अधिक इधर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं बुढ़ पिजन में शब्द कितने अक्षरों के बीच, ऐसे कितने अक्षरों जो बड़े दोनों तरफ से अक्षरों के बीच होते हैं। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बुढ़ पेयर की बात करता हूँ तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ नहीं है, ओ पी क्यू ओ पी क्यू ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं है, ओ पी क्यू नहीं है, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं है, डी ई एफ जी डी ई एफ जी, ओके वन लेटर, डी ई एफ जी एच आई जे नहीं है, पी क्यू आर एस टी क्यू आर एस टी यू भी नहीं है, जे के एल एम एन ओ नहीं है, जे के एल एम नहीं है, जी एच आई जे के एल एम एच आई जे नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल जी एच आई नहीं है, ई ओ पी ओ पी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वन लेटर और हो गया, ओ पी एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू फोर लेटर हो गए, उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, थर्ड का आंसर, टाइप फाइव के 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 थर्ड का आंसर होगा अपना डी।
टाइप फाइव के थर्ड का आंसर डी, कोई नहीं क्लियर है ना, पहले ही बोला था यही आंसर होगा। अब रिस्ट्रिक्टिव शब्द में दो अक्षरों के बीच कितने युग्म हैं जितने वर्णमाला में दोनों तरफ से आर, अगर बात करता हूँ आर से, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हटाओ, एफ एफ जी एच आई, एफ जी एच आई वन लेटर, एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं है, एस टी एस टी यू एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हटाओ, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हटाओ, आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी नहीं हटाओ, आर एस टी यू वी नहीं हटाओ, आई जे के एल एम एन, जे के एल एम एन नहीं है हटाओ, सी डी ई एफ जी नहीं है, डी ई एफ जी नहीं हटाओ, अगर बात टी यू वी, यू वी टी यू वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हटाओ, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर वन लेटर, जे के एल एम एन ओ, जे के एल एम एन ओ पी क्यू वन लेटर नो स्मॉल नो, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है, पी यू वी यू वी डब्ल्यू एक्स भाई जेड ए बी सी नहीं हटाओ, ई बी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ थ्री लेटर ओनली, थ्री लेटर करेक्ट आंसर, क्लियर। ऐसे ही निकालने पड़ेंगे इनके आंसर, थोड़े से टाइमिंग होती है जो क्वेश्चन। अंडरग्राउंड की बात करूँ सबसे, दो अक्षरों कितने युग्म हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं हटाओ, एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू वन लेटर, यू मिलता है एन से, डी ई एफ डी ई एफ जी, डी ई एफ जी डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, ई एफ जी नहीं है, ई एफ जी ई एफ जी एक दो एफ जी एच आई जे के एल नहीं आर जी एफ जी एस टी यू वी, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी नहीं है, पी क्यू आर ओ पी क्यू आर, एस टी यू वी नहीं है, पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स भाई जेड ए बी सी, यू वी डब्ल्यू एन एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, डी डी ई एफ ई डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, टोटल फाइव आंसर है, बताओ। थोड़े से टाइमिंग क्वेश्चन ले रहे हैं ये। टेरिब्यूंगल ट्रिब्यूनल ऐसे कितने जुड़े हैं जिन्हें प्रत्येक उचित नहीं शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी बढ़ाना, टी यू बी यू वी डब्ल्यू एक्स भाई जेड ए नहीं है, आर एस टी एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं है, हटाओ, आई जे के एल एम एन नहीं है, बी सी डी ई एफ नहीं है, यू भी डब्ल्यू एक्स बाई भी डब्ल्यू एक्स बाई एन एम एन ओ पी क्यू आर, ओके वन लेटर और एन से, ओ पी क्यू आर एस टी ओ पी बी सी डी ई एफ जी एल एम एन एल ओ पी नहीं है यार, ऐसे तो कोई लेटर ही नहीं है, अब एल एल एम एन ओके एम एन ओके एम एन ओ पी क्यू आर ओके एम एन ओ पी क्यू आर फोर लेटर हो गए, वन टू थ्री फोर, फोर है क्या आंसर, तीन से अधिक ये था करेक्ट आंसर। अब बात करता हूँ शब्द कोष्ठक के अक्षरों के ऐसे कितने जुड़े जिन्हें प्रत्येक बीच शब्द होते नहीं है जिनके उनके बीच अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला है,
सी डी ई एफ जी नहीं है, ओ पी ओ पी क्यू ओ पी क्यू आर नहीं है, ए बी सी वन लेटर, ए बी सी वन लेटर की बात करता हूँ, ए बी सी नहीं है, एस टी एक लेटर, यू वी डब्ल्यू नहीं, दो इज द करेक्ट आंसर। अब रीजनल, रीजनल अच्छों के ऐसे कितने आगे पश्चिमी दोनों उतने ही अच्छे हैं जितने की बिछड़ बनाओ में, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ई एफ ई एफ जी एच आई जे के नहीं है, जी एच आई जे के एल, ओके वन लेटर, एच आई जे के एल वन लेटर, ओके जी से, आई जे के एल, आई जे के एल एम नहीं है, ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस नहीं है, एम एन, एन ओ पी, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, रुको, बी सी डी ई एफ नहीं है, एक क्रॉसिंग हो गया, ये नहीं है, गलत है, ठीक है, एल एम एन, एल एम एन ये हो गया, अगर बात करता हूँ तो एल एम एन, एल एम एन हो गया, एल एम एन ओ बी हो गया, ओ पी क्यू आर एस, तो फोर हो गया इसके, क्या ना तीन से एक फोर, तो करेक्ट आंसर। शब्द इनेबलिंग, अक्षरों के ऐसे कितने जुड़े हैं जिन्हें प्रत्येक के बीच शब्द उतने अच्छे हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनमें होते हैं, तो ई एफ जी, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, एन एम, एन ओ पी, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ए बी सी, ए बी वन लेटर हो गया, ए बी, ए बी वन लेटर, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, ए बी सी नहीं है, बी सी डी ई, बी सी डी ई वन लेटर और हो गया, बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ नहीं है, डॉ एल एम एन, एल एम एन ओ पी, एन ओ, एल एम एन ओ, क्लियर तीन लेटर हो गए, आई जे के एल एम एन, आई जे के नहीं है, ओ पी क्यू आर नहीं है, जी एच आई, चाई, जी एच आई जे के एल एम एन नहीं, फोर लेटर हो गए, तीन से आधे कटा, ऑप्शन देखो तीन से अधिक पूछ रहा है वो, ठीक है। और टर्मिनेट, टर्मिनेट अक्षरों ऐसे कितने जोड़े हैं, टी को हटाओ, टी से कोई संबंध ही नहीं है, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं हटाओ, ई एफ, ई एफ जी एच, एफ जी एच आई जे के एल नहीं हटाओ, एस टी आर एस टी हो गया, आर एस टी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं हटाओ, एम एन ओ पी, एन ओ पी क्यू आर नहीं है, आई जे के एल एम, जे के एल एम नहीं है, एन ओ पी, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, ओ पी क्यू नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, बी सी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, ई एफ जी एच, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, दो करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं मोनेटरी, मोनेटरी में कैसे अक्षरों के इतने जोड़े हैं जिन्हें प्रत्येक बीच में उतने अच्छे हैं कि उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो बात करें एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ओ पी, ओ पी एम एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है, एन ओ पी, हाँ वन लेटर हो गया, एम एन ओ, एन ओ, ओ एन एम, एन ओ पी, ओ पी क्यू आर, ओके वन लेटर, एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, एफ जी एच, एफ जी एच नहीं है, हटाओ यू भी डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू हटाओ, ए बी सी, बी सी डी ई एफ नहीं हटाओ, आर एस टी वन लेटर और, यू वी डब्ल्यू एक्स
डैश टी नहीं है डा, जेड ए वन लेटर, और बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 तीन से अधिक आ रहा है मेरा करेक्ट आंसर। टाइप फाइव का 11वां क्वेश्चन, ओके चेक कर लेते हैं। टाइप फाइव का 11वां क्वेश्चन डी, सही डी, मतलब जेड से ए से जेड तक गिनती रहेगी, जेड के बाद वन डी वन गिनती नहीं कर सकते आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में डी वन गिनती नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात यह है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपका आंसर? क्लियर हुआ होगा मेरे अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आंसर के लिए पढ़ता हूँ मैं थोड़ी देर से। टाइप सिक्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, आसानी से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। शब्द जन्म में सभी अक्षरों को यदि क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ठीक है करते हैं, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिवर्तित कितने हुए रहेंगे अक्षरों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ए, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा एच, ए जी एच, एम एन यू, एम एन यू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो ए से ए नहीं है, जी से जी नहीं है, एच से एन नहीं है, एम से वन लेटर, एन यू वन लेटर अपरिवर्तित रहेगा जो कि एम है, एम इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर। इसके एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा मैं तुम्हें, अगर ज्ञात चाहिए तो लेटर की वैल्यू निकालो आप, लेटर की वैल्यू सीधे सीधे रखो आप कॉपी में, करेक्ट आंसर हाल ही हो जाएगा तुरंत। क्लियर? क्लियर। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो थोड़े से बड़े लेटर हो जाते हैं, चलो मैं छोटे लेटर कोशिश करता हूँ, छोटे से छोटे लेटर लिखने की कोशिश करता हूँ अगर ज्ञात करूँ तो। बिल्कुल साइज स्मॉल कर दिया है, चलो ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू की बात करता हूँ तो 23 हुआ, ये लेटर कैसे लिखे हैं 23। आई की बात करता हूँ 9, एल 12, डी 4, डी 4, सी 3, आर 18, सी 3 आर 18, ए 1, एफ 6, टी 20। अब देखो सबसे पहले एक लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा, फिर 6 लिखूँगा, 6 के 1 3 4 लिखूँगा, फिर 6 लिखूँगा, 1 3 4 6 हो गया मेरा, 1 3 4 6 हो गया। क्लियर? 4 6 4 6 के बाद 9 लिखूँगा, 9 के बाद 12 लिखूँगा, 12 के बाद 18 लिखूँगा, 20 लिखूँगा, 23 लिखूँगा। क्लियर? क्लियर। मेरे को लग रहा है 18वीं वाली वैल्यू, देखो 23वीं 9वीं, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 12 से 4 गया, 4 से 6 गया, 3 से 9 गया, 18 से 12 गया, 16वीं वाली वैल्यू अपनी जगह पर ही है। अगर बात करता हूँ 16वीं वैल्यू, चौबीस से 18 भी गया, 20 वैल्यू, 1 से 18 गया, 6 से 20 गया, तो टोटल अपरिवर्तित हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, कोई इश्यू नहीं है, उसमें बदल दिया जाए। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे आप करना नॉर्मल क्वेश्चन है, हो जाएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी मेहनत करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लाइव ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया।